नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोरिया जिले के पटना क्षेत्र के डुमरिया गांव के जामपारा मोहल्ले में फ्लोराइड का कहर बरप रहा है। अब ये गांव जो अब तक शांत और सुहावना था, धीरे धीरे स्लो पॉइजन की चपेट में आता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में पाया गया है कि इस गांव के ट्यूबवेल के पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक है कि गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बता दें कि जामपारा का ये इलाका है जहां करीब 45 घर और 247 लोग बसते हैं। यहाँ के लोग पूरी तरीके से सोलर ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर हैं। पिछले 10 सालों से गांव के लोग इसी पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये पानी उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। गांव के 32 बच्चों में फ्लोरोसिस के लक्षण पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि पानी उनके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का और CMHO का। अब पानी का नुकसान बताते हैं। पानी से कमर पर दर्द करता है, कमज़ोर बना देता है, कन्या कमर डूबने लगता है इस पानी से, या फिर कोई भी अगर सभी लोग का हो रहा है। कब से आप लोग को ऐसा महसूस हो? अरे अभी 10 साल वहाँ जा रहा सर, धीरे धीरे। और आप लोग को कब पता चला कि ये पानी से? अरे तब पता तो अभी चल रहा है कि पहले तो भाई कन्या कमर पर दर्द करते रहता कैसे था। कैसे पता चला आप लोग? अरे चेक, तब पता चला कि अब सभी का दुख रहा था। फिर अरे ही डॉक्टर लोग आए रहे थे, अभी आज भी आए थे, कल परसों भी आए थे। इस पानी को पीने के लिए मना मना किए हैं कि इस पानी को मत पिए, दूसरे जगह पानी पिए, कुआं का पानी। आप लोग के मोहल्ला में कैठो हैंडपम्प है? हैंडपम्प तो अभी ट्यूबवेल एक उठे है, पूरा मोहल्ले में इसी पानी को पीते हैं। अगर इस ये पानी को बंद कर दिया जाए? बंद कर दें तो मर जाएंगे वैसा ही। अब तो मर खुद रहे, अब मरने लगेंगे। पानी पाएंगे तभी तो पियेंगे। इस PHC विभाग वाले कभी नल का पानी चेक करने आए हैं यहाँ? अभी नहीं, अभी आए हैं इसी समय में। वो तो स्वास्थ्य विभाग था ना? तो अभी एक तो करके गए हैं। पानी चेक करने के लिए कोई अलग से आया था? आया था आज। अब आज ये बंद किए हैं कि इस पानी को मत पिए, ये DK का घर का कहीं पानी पिए वही साफ है, ट्यूबवेल का एक तो ये समस्या। 10 पानी यही से पीते हैं ये पानी को पीने के बाद कुछ परेशानी आता है आप लोग को? परेशानी तो आता है, हाथ पर दर्द होते रहते, कन्या कामर झुमका थे। कितना दिन से तुमन के होते ऐसे? कितना दिन हो गए तुमन के ऐसे होत? ये तो साल 2 यकीन हुआ थे, ढेर नहीं हुआ थे। और का समस्या होते पानी पिए से? अभी तो हाथ पर से बढ़िया से जोर बल नहीं लागे, बढ़िया से ताकत नहीं लागे, कमजोरी कमजोरी लागे। पानी तो ठीक लागे, अब निकलत है पानी का खूबी, दर्द होते रहते कभी कभी। अधिकतर लोग बताते हैं कि पानी का वजह है, और पानी में क्लोराइड का मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण सब छोटे छोटे बच्चों को और जो बड़े उम्र के हैं उनको हड्डी में भी बहुत लोग का प्रॉब्लम होने लगा है, और यही पानी के कारण बताते हैं। और पिछले 2-3 दिन पहले आए थे जहाँ जल संसाधन विभाग वाले, और यहाँ से सैंपल पानी का ले गए हैं, बोले कि जांच करके बताएंगे, और बोल रहे थे कि तब तक पानी का उपयोग पीने के लिए मत करिए। कब से आप लोग यहाँ का पानी पी रहे हैं? जब से नलकूप बना है तब से। फिर भी कितना साल? 10-15 साल तो हो गया होगा। 15 साल। और ये पानी पेयजल के लिए इकलौता साधन है या फिर और भी? इस मोहल्ला का इकलौता साधन है, और पीछे पहले तो बहुतों के यहाँ कुआं रहता था, तो कुआं भी अब धसकने के कगार पर है सबका, और कुआं का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। पीने के लिए पूरा मोहल्ला इसी पर आश्रित है, और इसी को सब कोई पीने के लिए लेते हैं। जोड़े हैं, मैं जामपारा डुमरिया का हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोगों का दांत पीला हो गया है, क्या है इसके पीछे? देखिए, लगभग ये जो बोर है ना, इसका पानी लगभग सब जामपारा के लोग पीते हैं, और कुछ लोग भी पीते हैं ऊपर से। तो ये जो पानी है, इसको स्वास्थ्य विभाग की कुछ टीम आई थी, वो बता रही है कि पानी में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्लोराइड का मात्रा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्लोराइड पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनके दांतों में पीलापन आ रहा है, और छोटे बच्चों के जो हड्डियां हैं थोड़ा कमज़ोर हो रही, और साथ में ये भी बताया गया कि जो एजेड लोग हैं जिनके कमर उमर में मुड़ने का परेशानी आ रहा है। तो इस वजह से मेरे को तो आज जानकारी हुआ है कि ये जो पानी है पीने लायक नहीं है। आप ये कब से?
सर अभी जामपारा में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का दांत एकदम पीले हो गए हैं वहाँ के पानी का सेवन करने से, क्या है पूरा मामला बताइए। हाँ, ये अभी हमारी जो एपिडेमियोलॉजी की टीम है वो उनके द्वारा वहाँ सर्वे किया गया था तो कुछ बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस का केस देखा गया है। ये डेंटल फ्लोरोसिस ऐसा रहता है, इसमें दांत में पीलापन आना और दांतें थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं, तो वो जनरली पानी में फ्लोराइड बढ़ने के कारण ऐसा होता है। इसके लिए हमारे टीम द्वारा पानी का सैंपल लिया गया है और पीएचई विभाग को जांच के लिए दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही यदि अगर उसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा तो अपन उस स्रोत को बंद करेंगे और आगे फिर एक बार सर्वे करके वहाँ वृहद रूप से डेंटल कैंप करेंगे ताकि उनके दांतों को बचाया जा सके। क्या आने वाले समय में वो पानी को पीते रहेंगे वहाँ के लोग तो उससे और कुछ बीमारी के संकेत हो सकता है क्या, बढ़ सकते हैं? अगर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा रहता है तो डेंटल फ्लोरोसिस का ही खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, तो अगर ऐसा पाया जाएगा अगर जांच में तो उस पानी के स्रोत को बंद कर दिया जाएगा। वहाँ के मितानिन से बात किया गया तो उनकी मितानिन का भी कहना है कि यहाँ के लोगों का हड्डी में भी तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ा हुआ है, कमर झुक के महिलाएं बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं जब से पानी का सेवन कर रहे हैं। ये बात आपके माध्यम से मुझे पता चली है, इसके विषय में हमारी टीम द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई अभी, इसकी भी जांच अपन करा लेंगे उसके बाद मैं इसके बारे में बता पाऊँगा। कितना हानिकारक है ये सर, क्या इसमें जान जाने का कोई खतरा है? जान जाने का कोई खतरा नहीं रहता है इसमें, डेंटल थोड़ा सा अफेक्ट करता है बच्चों में जिसे टाइम के साथ वापस ठीक किया जा सकता है। अगला कदम क्या होगा स्वास्थ्य विभाग? डेंटल कैंप करेंगे और पानी के स्रोत में यदि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी तो स्रोत को बंद करेंगे। सर इससे किसको ज़्यादा प्रभावित कर रही है? ये छोटे बच्चों को फ्लोरोसिस का मामला ज़्यादा देखा जाता है तो उसी वर्ग में है। हमारे यहाँ जांच मतलब हम लोग मेडिकल से करवाए थे तो जांच के प्रति हमको यहाँ इस नल जल से ये परेशानी आया कि पानी आपका ख़राब है, इसी कारण हमारे दांत और हड्डी का मतलब परेशानी इसलिए बढ़ रहा है कि इससे इस कारण इस पानी को पियेंगे तो हमारा हड्डी लूकेज होगा और इस दांत को काला मतलब पीलापन करेगा दांत सड़ने का। आप लोग को कैसे पता चला इसके बारे में? पता नहीं, पता हम लोग को इस कारण चला कि हमारे यहाँ जांच करने के लिए आए थे। कौन आया था? वो मेडिकल विभाग से आए थे। हाँ, क्या जांच करके बताएं? जांच किए कि इस पानी को आप मत पीजिए, कुआँ का पानी को उबाल के पीजिए, उबालने के बाद पीजिए तो आपका दांत सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। कोरिया से सीनियर संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। जामपारा के लोग अब इंतजार में हैं कि कब उनकी समस्या का समाधान होगा और कब वे इसके जहरीले पानी से निजात पा सकेंगे। इस गांव की कहानी उन हजारों गांवों की कहानी है जो आज भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और जिनकी आवाज अभी भी सुनवाई की राह देख रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।